आपसे जानना चाहूंगी कि सिंह कन्या तुला वृश्चिक और दीपोत्सव बेहद खास होगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव मनाया जा रहा है और भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए हैं और दीपोत्सव के दौरान आस्था और प्रकाश का दीपोत्सव में ऐसा संगम देखने को मिलेगा कि हर कोई इस नगरी को निहारता रह जाएगा। देखिए रिपोर्ट। त्रेता युग में प्रभु श्री राम लंका विजय कर 14 वर्षों बाद जब अयोध्या वापस आए थे तो पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी संवरी उनके स्वागत में इंतजार कर रही थी। ठीक उसी तरह से अब कलयुग में दीपोत्सव के दौरान पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, उनका स्वागत होगा। तो कुल मिला के जिस तरह से त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम लंका विजय कर वापस आए थे उस दौरान जब पूरी अयोध्या को दीयों से सजाया गया था, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था, ठीक उसी तरह से लेजर लाइटों के जरिए पूरी अयोध्या को, सड़कों को सजाया संवारा गया है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं ये पूरा, ये जो है सरयू के किनारे का जो राम पैड़ी का के ऊपर का जो रास्ता है वो पूरा चारों तरफ बेहद खूबसूरती से सजाया और संवारा गया है। देख सकते हैं चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें दिख रही हैं, लेजर लाइटें दिख रही हैं। तो पूरी अयोध्या इस समय यूं कहा जाए तो दुल्हन की तरह सजी और संवरी प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है। और इस बार हो भी क्यों ना, क्योंकि जब त्रेता युग में जिस तरह से प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे उसी तरह से इस बार 500 वर्षों के लंबो संघर्षों के बाद जब प्रभु श्री राम लला अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान हुए हैं तो इस बार दोहरी खुशी दिखाई दे रही है और अयोध्या सज संवर कर इठला रही है कि प्रभु राम लला अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान होने हो गए हैं। और बाल रामलला की ये पहली दीपावली है इसलिए दूना उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार दो दो विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी है। आठवें दीपोत्सव के लिए पूरी अयोध्या सज संवर कर तैयार हो चुकी है। पूरी अयोध्या को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया और संवारा गया है। लेकिन इस बार सबसे खास बात यह है कि हम आपको दिखाएंगे कि ये रास्तों पे इलेक्ट्रॉनिक बकायदे रंगोली बनाई गई है, ये विशेष आकर्षण का केंद्र होगी इस बार, चूंकि इन लाइटों के माध्यम से रंगोली जो खूबसूरती जो निखर के आ रही है वो विशेष आकर्षण का केंद्र बन रही है। लोग बड़ी संख्या में आके इस पर सेल्फी ले रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो ये खूबसूरती है देख रहे हैं कि जब ये एक साथ जल रहे हैं तो लग रहा है कि ये खूबसूरती से बनाई गई हैं, लेकिन ये स्वचालित है, इसको लेकर विशेष आकर्षण है। और एक दूर तक सड़कों पर ये तमाम रंगोलियां पूरे अयोध्या भर में जगह जगह बनाई गई हैं। जब लोग दीपोत्सव में शामिल होने आएंगे उस दौरान इस रंगोली से जब होकर गुजरेंगे तो उनको एक अलग अनुभव होगा जिसको लेकर लोग खासे उत्साहित हैं। लोग अभी से ही सेल्फी ले रहे हैं, हालांकि अभी ये ट्रायल हो रहा है, लेकिन दीपोत्सव के दौरान जब ये पूरी तरह से अयोध्या की सड़कों पर, चौराहों पर और दीपोत्सव स्थल पर एक साथ जलाई देंगी तो उनकी खूबसूरती निखर कर सामने। निश्चित रूप से भगवान श्री राम के अपने भवन में विराजमान होने के बाद ये आठवां दीपोत्सव है। प्रभु श्री राम जी विराजे हैं, ये उनके समक्ष जिस तरह से दीपोत्सव का 25 लाख का रिकॉर्ड बनने जा रहा है उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आरती का भी गिनीज बुक में दर्द हो विश्व रिकॉर्ड बने। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो प्रतिदिन आरती होती है 5100 बत्ती की आरती हो तो होगी ही, उसके साथ साथ 1100 बटकों के द्वारा वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा माँ सरजू जी की आरती, 157 संत महंतों के द्वारा और कुछ नागरिक गण अयोध्या के वो भी इस आरती में शामिल होंगे। बड़ी भव्य और दिव्य आरती होने जा रही है।
रामनगरी के आठवें दीपोत्सव का आगाज हो चुका है, जहां एक तरफ राम के पैड़ी सहित अलग अलग 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं, वहीं इस समय हम सरयू किनारे आरती स्थल पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर पूर्वाभ्यास किया जा रहा है आरती का। दीपोत्सव के दौरान जब यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मेहमान होंगे, उस दौरान यही घाट पर 1100 पुरोहित एक साथ जब आरती करेंगे तो वो नज़ारा एक बेहद खास होगा और एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। इसीलिए इसका जो है पूरा अभ्यास किया जा रहा है, और अभी हालांकि महिलाएं हैं और लोग हैं, ये लोग पूरा अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि किस तरह से करना है उसका जो है रिहर्सल किया जा रहा है। लेकिन जब छोटी दीपावली के दिन दीपोत्सव से पहले इस सरयू किनारे आरती स्थल के सभी घाटों पर जब एक साथ 1100 पुरोहित आरती करेंगे तो एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ये जो घाट है इसको 7 जोन में बांटा गया है, अलग अलग 7 जोन है। इसी में जो संत होंगे उनका बकायदे नंबरिंग की गई है, उस अपने नंबर पे वो संत खड़े होंगे और वहीं से आरती करेंगे, मुख्यमंत्री योगी भी होंगे, नया कीर्तिमान। इस बार का जो दीपोत्सव इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इस बार के दीपोत्सव में दोहरी खुशी की झलक दिखाई देगी। पहली खुशी प्रभु राम के 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस आने की होगी, तो दूसरी खुशी होगी राम लला के अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान होने की। इसीलिए इस बार दो दो विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। तो कुल मिला के ये प्रयास किया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम त्रेता युग में लंका विजय कर अयोध्या वापस आए थे तो जिस तरह से अयोध्या सजी सवरी प्रभु राम का इंतजार कर रही थी, ठीक उसी तर्ज पर अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव तरीके से सजाया गया, अयोध्या बहुत ही अद्भुत लग रहा है। इसके पहले हम कभी कल्पना ही नहीं किए थे कि अयोध्या इतनी सुंदर सजाई जाएगी। बहुत ही सुंदर अयोध्या सजी हुई है दीप उत्सव के उपलक्ष्य में, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अयोध्या दुल्हन जैसी सज गई है, लाइटिंग और जो शो होता है उसकी पूरी तैयारी है और दिए लग गए हैं, हम लोग देख रहे हैं पूरी तरीके से तैयार है। प्रभु राम के स्वागत के लिए अयोध्या सज संवर कर तैयार हो चुकी है। इस समय हम धर्म पथ पर हैं जहां से अयोध्या में प्रवेश किया जाता है, तो लोग या श्रद्धालु या अतिथि जैसे ही यहां से प्रवेश करेंगे उन्हें अयोध्या की खूबसूरती दिखाई देने लगेगी। आप देख सकते हैं कि ये पूरा धर्म पथ बकायदा लाइटों से सजाया गया है, स्वागत में जो अतिथि आएंगे उनके स्वागत में सजाया संवारा गया है, और यहीं से जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं या फिर मेहमान आते हैं, इसी रास्ते से यहाँ अयोध्या में प्रवेश करते हैं। और फिर यहाँ पे आपको दिखाएंगे बीड़ा चौक है, बीड़ा चौक चूंकि मशहूर जगह है, यहीं पे लोग आते हैं, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तो जब दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा उस दौरान जब अतिथि आएंगे, लोग आएंगे, जब इधर से गुजरेंगे तो उनको जो रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं, खूबसूरत सजावटें की गई हैं, वो मनमोहक नज़ारा देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के दीपोत्सव के दौरान जो तैयारियां होनी थी वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या को बेहद खूबसूरती से सजाया संवारा गया है, जगह जगह लेजर शो चलाया जा रहा है, साथ ही साथ सड़कों के दोनों तरफ लाइटें लगाई गई हैं, LED लाइटें लगाई गई, साथ साथ प्रोजेक्टर लाइटें लगाई गई हैं जिससे रामायण पर आधारित चलचित्र भी दिखाए जाएंगे। तो कुल मिला के ये प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या कितनी खूबसूरत देखती थी, वही सूरत दिखाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ संजीव आजाद, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या।